नमस्कार दोस्तों, सीए टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ एप्पल ईयरपॉड्स का अनबॉक्सिंग एंड उसका रिव्यू, क्योंकि फ़िलहाल मैं अनबॉक्स करूँगा, उसके बाद मैं इसका रिव्यू दूँगा। तो ऐसा कुछ दिखता है आपका बॉक्स, और यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे दिखाता है कि यूएस में मैन्युफैक्चर्ड है ये, और इंडिया पे इम्पोर्ट किया है एप्पल इंडिया ने इसको, और जिसका मैक्सिमम प्राइस है 2500 एंड जुलाई के में इसका इंपोर्ट हुआ है। 3.5 mm हेडफोन जैक है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, अभी फ़िलहाल देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। तो यह बॉक्स कंटेंट, चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। इसको साइड में रखते हैं, देखते हैं क्या है ये। कुछ पेपर कंटेंट है शायद, बहुत सारा है। यूज़र मैनुअल चाइनीज़ में है, इंग्लिश पे है, बहुत सारे हैं। तो ये है बॉक्स, बॉक्स तो नहीं है, कार्डबोर्ड हालांकि। तो इसको बाहर में देखते हैं। चलिए इसको पहले बाहर ले लेता हूँ। तो ऐसा कुछ आता है इसका ईयरबड, AAC है, और 3.5 mm जैक आपको मिलता है, और जो कि गोल्ड प्लेटेड नहीं है, और इसका जो रबर है वो बहुत ही स्मूथ है, और इस पे एक बटन दिया गया है, माइक्रोफोन का सिंबल दिया गया है। यहाँ से आप कॉल रिसीव एंड कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं यहाँ से। तो फिलहाल ये सब मैं चेक करूँगा और देखेंगे कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, उसके बाद आपको बताएंगे। सो गाइस, इस एप्पल को हेडफोन को मैंने एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ, और इसके साइमल्टेनियसली इस सोनी का 150 का यूज़ भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा पहले खरीदा था, जो कि इसके हिसाब से एक रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग मैंने इस चैनल पर डाला है, तो आप वो पहले जाकर देख सकते हैं। और इसके अगर एप्पल के बारे में बात करें तो इसके अंदर इसका जो बेस है ना वो सोनी के हेडफोन से भी ज़्यादा है, और ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है मैं बताऊंगा उससे भी ज़्यादा है सबके मामले में, क्योंकि वोकल भी अच्छा आता है और जो बेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, वो भी ज़्यादा है सोनी का, लेकिन उससे भी ज़्यादा लगता है मुझे। और अगर इस बटन की बात करें तो यहाँ से कॉल रिसीव एंड सेंड कर सकते हैं, नेक्स्ट गाना प्ले कर सकते हैं, पॉज प्ले कर सकते हैं, गूगल असिस्टेंट को यहाँ पे वेक कर सकते हैं, और सीरी को भी। और ये जो वॉल्यूम प्लस एंड माइनस का जो बटन दिया है ना, तो ये सिर्फ एप्पल डिवाइस में काम करता है, एंड्रॉयड में नहीं। और खास एक बात कहना है आपको, क्योंकि ये 2500 रुपये में मिलता है इस एप्पल स्टोर में, और इसका ओरिजिनलिटी देखने के लिए बहुत सारा ऐसा होता है एक ही तरफ देखते हैं लेकिन वो फेक होता है। तो आज मैं दो चीज़ बताऊंगा जिससे आपको ओरिजिनल एप्पल का हेडफोन पहचानने में आसानी हो। सो सबसे पहले क्या है, एक आप अगर ऐसे इस वायर को देखें ना, तो इस वायर के अंदर एक लीटर आपको दिखने का मिलेगा, अगर आप लोगों को दिखाओ तो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है डिजाइन बाय एप्पल कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन वियतनाम, एंड इसका एक सीरियल नंबर दिया है। और एक बात बताऊँ, इसका जो दूसरा जो यहाँ पे जो होल होता है ना इस हेडफोन के नीचे, अगर इस इन दोनों होल को आप इस तरह फिंगर से आप बंद कर दोगे ना, तो इसका बेस थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये अगर दो चीज आपका हेडफोन में है तो वो वाला एप्पल ओरिजिनल है, एप्पल वाला हेडफोन ओरिजिनल है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। तो ओवरऑल मैं बताना चाहता हूँ, जो ज़्यादा बेस पसंद करता है तो सोनी 150 के मामले में 1000 रुपीज एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकता है इस हेडफोन के क्वालिटी को नज़र रखते हुए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हूँ मैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।